नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट फर्स्ट में नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। डेटा टाइप जावा के अंदर मेनली डेटा टाइप्स 8 टाइप के होते हैं। ये 8 तरीके के कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, कितने बिट का होता है, उस डेटा टाइप की क्या रेंज होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला होता है बाइट होता है, जो मिनिमम -128 से लेके 127 बिट तक का होता है। -128 से लेके +127 बिट का होता है, इसकी रेंज होती है। दूसरा होता है शॉर्ट होता है, शॉर्ट हमेशा 16 बिट का होता है, जिसकी रेंज मिनिमम -32768 से लेके 32767 तक होती है। तीसरा होता है इंटीजर होता है, इंट जिसको बोलते हैं, 32 बिट का होता है, इसकी रेंज -217483 से लेके +217482 तक होती है। फोर्थ होता है लॉन्ग ऑपरेटर डेटा टाइप होता है, जो 64 बिट का होता है हमेशा। दूसरी चीज़ फ्लोट होता है, जो 32 बिट का होता है। डबल होता है, वो 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट होता है। बुलियन होता है, वो 1 बिट का होता है, और इसके अंदर हमेशा ट्रू और फॉल्स के अंदर वैल्यू चलती हैं। और एट्थ होता है हमारा, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, करेक्टर होता है, जो 16 बिट का यूनिकोड होता है। ये सारे हमारे जावा के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट पे डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है। तो चलिए अब हम डेटा टाइप के बाद में डिस्कस कर लेते हैं एरे के बारे में। तो सबसे पहले हम एरे के बारे में उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, उसके बाद में हम उसकी इंडेक्स वैल्यू, डेटा एलिमेंट वैल्यू और इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं, एरे इज ए ग्रुप ऑफ कैटेगरी और रिलेटेड डेटा आइटम्स दैट शेयर ए कॉमन नेम। एरे इज ए ग्रुप ऑफ कैटेगरी और रिलेटेड डेटा आइटम दैट शेयर ए कॉमन नेम। अनदर वन, व्हेन प्रोग्राम हैव टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ईच वैल्यू इज स्टोर्ड एट ए स्पेसिफिक पोजिशन। एरे के अंदर हर एक वैल्यू एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजिशन पे ही फिक्स स्टोर होती है। एरे कलेक्शन ऑफ डेटाज भी कह सकते हैं, दैट कॉल्ड इज एरे। पोजिशन कॉल्ड ए इंडेक्स वैल्यू, जहाँ पर एरे की वैल्यू स्टोर होती है उसकी पोजिशन को जब हम इंडेक्स इंडिकेट करते हैं उसको हम इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं। और सुपर स्क्रिप्ट वैल्यू भी बोला जाता है, हमेशा जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। देख लेते हैं कि एक हमारा एरे का बॉक्स है, सिंगल डायमेंशनल एरे है। इस एरे के अंदर मैंने वैल्यू फिल कर दिया, 5.6, 4.53, 3.3, 4, 35। ये मैंने इसकी कुछ वैल्यू ली और वो पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर दी और मैंने स्टोर करवा दिया। अब मैंने बताया था ये जहाँ से वैल्यू होती है तो इसको क्या बोलते हैं, जो ये वैल्यू होती है इसको हम रेफरेंस वैल्यू बोलते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ पर हम इस वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हम एलिमेंट वैल्यू बोलते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, हम एलिमेंट वैल्यू बोलते हैं। और जब हमने ये स्टोर करवाया है इस एरे इंडेक्स वैल्यू के अंदर, तो इसको इसकी पोजीशन हमने सेट कर दी है, 0 पे है, ये 1 पे है, 2, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है। इसको एरे एलिमेंट इंडेक्स वैल्यू बोला जाता है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, एरे वैल्यू, एरे इंडेक्स वैल्यू बोला जाता है इसको। अगर मान लो मेरे को कोई बोल दे कि इंडेक्स 3 पे कौन सी वैल्यू है, तो मैं इंडेक्स 3 पे चेक करूँगा कौन सी वैल्यू है, 3.3 है। अगर मेरे को बोल दे एरे इंडेक्स 1 पे कौन सी वैल्यू है, तो मैं चेक करूँगा 4.5 की वैल्यू है। इसी तरीके से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। एरे का जो सेंटेक्स होता है वो किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, माई लिस्ट इक्वल टू न्यू डबल और एरे ऑफ एलिमेंट्स, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये एरे का डिक्लेयर करने का तरीका होता है। अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं
कि किस तरीके से एरे को प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर किया जाता है वो सारा हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम पर्टिकुलर कोई भी एक जावा का छोटा सा एक प्रोग्राम के थ्रू हम एरे को समझ लेते हैं कि किस तरीके से एरे काम करता है। तो सबसे पहले जब हम प्रोग्राम को डिक्लेयर करते हैं तो हमें क्लास क्रिएट करना पड़ता है, पब्लिक क्लास। मैंने क्लास का नाम रख दिया टेस्ट क्लास, टेस्ट क्लास। तो सबसे पहले हमें जावा का प्रोग्राम जब स्टार्ट करते हैं तो हमें क्लास क्रिएट करना पड़ता है। क्लास मैंने क्रिएट कर दिया क्लास टेस्ट के नाम से। उसके बाद में हम कोई भी उस क्लास के अंदर मेथड, डेटा टाइप, इंटीजर वैल्यू, जो भी हमें डिक्लेयर करना है वो सारी चीज़ें डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद में हमें मेन मेथड की रिक्वायरमेंट होती है। मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप और एरे टाइप की वैल्यू डिक्लेयर की जा सकती हैं। अब उसकी बॉडी पार्ट में आता है कि इंटीजर टाइप का कोई एरे डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू ली, एक मैंने इसके साथ में एक ऑब्जेक्ट बना दिया न्यू इंटीजर 5 वैल्यू, यानी मैंने उसके अंदर एरे के अंदर जो एलिमेंट मैंने पास करवाया वो क्या करवा दिया, 5 मैंने पास करवाया। उसके बाद में मैंने कंडीशन लगाई फॉर लूप में इंटीजर आई इक्वल टू 1 2, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस तक मैंने इस कंडीशन को चला दिया। अब आगे मैं देखता हूँ कि जो मैंने आई की वैल्यू डिक्लेयर किया है वो वैल्यू आई इक्वल टू, मैंने वैल्यू डिक्लेयर कर दिया वैल्यू आई प्लस वैल्यू आई माइनस 1, यानी जो वैल्यू है उससे, आई की जो वैल्यू है उससे माइनस 1 से वैल्यू स्टार्ट होगी। आफ्टर दैट इसकी वैल्यू डिक्लेयर कर दी मैंने आई की 0 इक्वल टू वैल्यूज 1 प्लस वैल्यू 4, 1 से लेके 4 के बीच में चलेगा। जब हम इस प्रोग्राम को डिक्लेयर करेंगे कोई वेरिएबल टाइप की वैल्यू जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर की है उसका जो भी क्रिएटिंग करेंगे, जब हम एरे क्रिएट करेंगे तो हमारे सामने जो एरे क्रिएट होगा वो किस तरीके से बन के आएगा, वो इस तरीके से एक एरे बन के आएगा। जीरो 1 2 3 4, इसके अंदर कोई भी वैल्यू जो भी आएगा इसके एरे एलिमेंट, तो हमारा जो आउटपुट होगा, जो आउटपुट होगा वो इस फॉर्म में हमारा बन के आएगा कि 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा। 0 से कंडीशन स्टार्ट हो रही है जो इंडेक्स वैल्यू और 4 तक जा रही है। इसी तरीके से हम जब आगे चलते हैं इसके अंदर आई को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हम आई लेस देन 5 लिखा है, इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई इक्वल टू 1 के बराबर, हम 1 और लेस देन इक्वल टू 5 लेके चल रहे हैं इस सारी वैल्यू के थ्रू हम। और फिर उसके बाद में जब हमने डिक्लेयर किया वैल्यूज आई इक्वल टू वैल्यू आई प्लस वैल्यूज आई माइनस 1 की मैं जब बात कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को मैंने डिक्लेयर किया, तो वो कहाँ से डिक्लेयर कर रहा है, वो यहाँ से लेके आ रहा है इसकी इंडेक्स वैल्यू पे लेके आ रहा है, किस पे, 1 पे इंडेक्स वैल्यू पे लेके आ रहा है इस तरीके से। और आई प्लस प्लस की जब मैं बात करता हूँ तो ये आफ्टर इंक्रीमेंट है कि पहले 1 आया फिर एक इंक्रीमेंट लेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। इस तरीके से हम जावा के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम डिक्लेयर कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम बहुत सारे और भी जावा के प्रोग्राम देख सकते हैं, लेकिन अब हम कुछ नए टॉपिक पे चलते हैं। जिससे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, अगर मेरे ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ में बेल आइकन बटन दबा के रख लीजिए। दोस्तों, मैंने अभी मेरे मैथ्स चैनल पे मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जी के कंपटीशन एग्ज़ाम के अलावा अब मैंने टेक्निकल सब्जेक्ट जो स्टार्ट किए हैं, जो गेट है, PSU है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं लाइक दैट, AKTU है, UPTU है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, IP यूनिवर्सिटी है, DU है, बीकानेर यूनिवर्सिटी है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, भोपाल यूनिवर्सिटी है, जितनी भी और जितनी यूनिवर्सिटी हैं सब में ये वेब टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट चल रहा है। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं मेरे लेक्चर लेके आ रहा हूँ। तो आप लोगों का अगर सहयोग और आप लोगों का प्यार मिला, आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो
तो मैं और बहुत सारे सब्जेक्ट के लेक्चर लेके आऊँगा। नमस्कार दोस्तों।